हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दिस इज अमनदीप कौर और आज हमारे सीरीज में हमारा 79th लेक्चर है। सेकंड पेपर को हम कवर कर रहे हैं जिसमें हमने तीन टॉपिक्स को ऑलरेडी कवर कर लिया है। फोर्थ टॉपिक आज हम कवर करेंगे ग्लोबलाइजेशन के बारे में है, जो कि ग्लोबलाइजेशन क्योंकि हम इसको इंटरनेशनल रिलेशंस के अंडर कवर कर रहे हैं, तो ग्लोबलाइजेशन को हम जो है उसका इम्पैक्ट डेवलप्ड कंट्रीज पे कैसा पड़ा, डेवलपिंग सोसाइटीज पे कैसा पड़ा, किस तरह से उन्होंने रेस्पॉन्ड किया डेवलप्ड कंट्रीज ने ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट को, जो ग्लोबलाइजेशन वाला मूवमेंट था ग्लोबलाइजेशन को किस तरह से रेस्पॉन्ड किया और डेवलपिंग कंट्रीज ने किस तरह से रेस्पॉन्ड किया, वो सारा कुछ अब हम जो है इस टॉपिक में कवर करेंगे। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के टेलीग्राम पे कुछ फ्री ग्रुप्स चलाए जा रहे हैं फॉर फ्री स्टडी मटेरियल, आप उन्हें जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। और कुछ पेड ग्रुप्स भी चलाए जा रहे हैं यूपीएससी, यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस और बिहार पीसीएस के लिए, प्री प्लस मेंस आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारे पीएसआईआर ऑप्शनल का भी पेड ग्रुप चलाया जा रहा है, अगर आप उसे भी ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो। और इंक्वायरी के लिए आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम के लिए ये वाला नंबर है, इस नंबर पे आपने सिर्फ टेलीग्राम पे करना है और इस नंबर पे आप चाहो तो कॉल करके पता कर सकते हो, नहीं तो व्हाट्सएप कर सकते हो। उसके बाद सबसे पहले ग्लोबलाइजेशन क्या है, हमें पता होना चाहिए कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है। ग्लोबलाइजेशन का सिंपल सा मतलब है बॉर्डरलेस वर्ल्ड, जहां पे जैसे कि हमारा वर्ल्ड है उसमें 200 से ज्यादा कंट्रीज हैं, हर एक कंट्री का अपना अपना बॉर्डर है, अपनी अपनी बाउंड्री है। सो जितने भी उसके ऑपरेशंस होंगे उसी बाउंड्री के अंदर होंगे। पहले क्या हुआ था, क्या हुआ करता था, जब ग्लोबलाइजेशन वाला मूवमेंट नहीं चला था तब ट्रेड तो हुआ करती थी, ट्रेड होती थी एक कंट्रीज के, जैसे कि हमारे इतने पुराने टाइम में, इतनी सदियों पहले भी हमारी जो है इंडिया की ट्रेड दूसरे कंट्रीज के साथ होती थी। लेकिन तब जो था मूवमेंट इतना आसान नहीं होता था क्योंकि कम्युनिकेशन के जो मीन्स थे वो इतने डेवलप्ड नहीं थे। जब से कम्युनिकेशन के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना, इंटरनेट का इस्तेमाल होना शुरू हुआ, इंटरनेट डेवलप हुआ जब से, तब से ग्लोबलाइजेशन का जो मूवमेंट है वो ज्यादा बड़ा है उसकी वजह से। क्योंकि अब जो है एक वर्ल्ड के आप एक कोने से दूसरे कोने में कहीं पे भी कनेक्ट हो सकते हो, मोबाइल के थ्रू हो सकते हो, इंटरनेट के जरिए हो सकते हो। और अभी जो इंटरनेशनल जैसे फ्लाइट्स हैं, कितनी आसान, कितनी जल्दी से कम टाइम में हम जो है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में पहुंच सकते हैं। सो अगर आपको ग्लोबलाइजेशन का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपने ये वाली डेफिनेशन जरूर लिखनी है जो कि एंथनी गिडेंस की है, उनका नाम मेंशन करके ये वाली आप डेफिनेशन जरूर लिखना। जब भी आईआर में आपको ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको अगर डेफिनेशन लिखनी है तो ये वाले थिंकर का नाम लिख के आपने लिखना है, ग्लोबलाइजेशन एज द इंटेंसिफिकेशन ऑफ वर्ल्ड वाइड सोशल रिलेशंस लिंकिंग डिस्टेंट लोकैलिटीज इन सच अ वे दैट लोकल हैपनिंग्स आर शेप्ड बाय इवेंट्स अकरिंग मेनी थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अवे एंड वाइस वर्सा। सो इनका कहने का मतलब है अगर दुनिया के एक कोने में कुछ होता है तो उसका इम्पैक्ट दूसरे कोने पे भी होगा। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड जो है वो पूरा कनेक्टेड है। जैसे कि हम जो है सिंपल सी एग्जांपल लो, अभी जो है ट्रेड के जरिए वर्ल्ड जो है इम्पैक्ट हमारा जुड़ा हुआ है, कंट्रीज जो है जुड़े हुए हैं ट्रेड के थ्रू, एक कंट्री के दूसरे कंट्री के साथ ट्रेड होती है। अब जब यूएसए में फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, फिर उसके बाद यूरो में, यूरो जोन में क्राइसिस आया था, तो उसका इम्पैक्ट बहुत सारी ऐसी कंट्रीज पे पड़ा, स्पेशली चाइना पे, जो एक्सपोर्ट लेड कंट्रीज हैं, जो एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं। क्योंकि चाइना का ज्यादा एक्सपोर्ट जो है वो वेस्टर्न यूरोप और अमेरिका में ही होता है। सो अगर अमेरिका में कुछ या वेस्टर्न वर्ल्ड में कुछ ऐसा हो जाएगा कि उनकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी तो उसका सीधा सीधा इंपैक्ट चाइना पे पड़ेगा। सो जब क्राइसिस आया था 2008 वाला फाइनेंशियल क्राइसिस, फिर यूरो जोन क्राइसिस आया था 2011 में, तो उस क्राइसिस का इंडिया पे इंडिया पे बहुत कम इम्पैक्ट किया था। क्योंकि इंडिया जो था उस टाइम पे बहुत ही, हम जो है कि इतना एक्सपोर्ट नहीं करते कि अगर हमारा एक्सपोर्ट एकदम से कम हो जाए तो हमें ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। उस टाइम पे हमारा एक्सपोर्ट हम जो है इतना ज्यादा नहीं करते थे, उस टाइम पे हमारा इतना एक्सपोर्ट नहीं था। क्योंकि हमारी जो इंडिया की इकोनॉमी है वो इस तरह से है कि हमारी पूरी एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी नहीं है, हम जो बनाते हैं ज्यादा उसकी कंजम्पशन इंडिया में ही होती है।
अब जो मैं टाइम की बात कर रही हूँ, अब 2019 है तो बहुत कुछ चेंज हो गया है। जब फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था 2008 के अराउंड, 11 साल पहले की बात है, और उसके बाद यूरोजोन क्राइसिस हुआ था 2011 में। तब उसका इम्पैक्ट जो था वो हर कंट्री पे, जो एक्सपोर्ट लेड कंट्रीज थी उन पे पड़ा था। ये मैंने एग्जाम्पल दी है ग्लोबलाइजेशन को समझाने के लिए कि किस तरह से एक जगह पे होने वाला कुछ भी अकरिंग होती है उसका असर जो है दूसरी कंट्रीज के ऊपर होता है, क्योंकि कंट्रीज एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो एक कंट्री की अगर कोई भी पॉलिसी होती है तो दूसरी कंट्री, उसकी मान लो एक कंट्री ने कोई भी पॉलिसी बनाई है, तो वो पॉलिसी से दूसरे वर्ल्ड के कंट्री जो उस कंट्री के साथ कनेक्टेड हैं किसी भी मीन से, उनकी उनके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। ग्लोबलाइजेशन के अंडर आता है जैसे कि ग्लोबल वर्ल्ड। अभी जो हमारा वर्ल्ड है वो एक ग्लोबल विलेज बन गया है, जहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यहाँ जहाँ पे फ्री मूवमेंट होती है मैन की, फाइनेंसिस की, पैसे का लेन देन, जैसे बैंक बैंक है, उनके ब्रांचेज जो हमारे इंडिया के कितने सारे बैंक हैं जिनके बहुत सारे कंट्री में ब्रांचेज हैं, तो आपस में जुड़े हुए हैं। हमारे बैंक्स का दूसरे कंट्री के बैंक के साथ कनेक्शन होता है। उसके बाद जो है जैसे लोगों की मूवमेंट, लेबर की मूवमेंट होती है एक कंट्री में, जैसे कि कितने सारे माइग्रेंट्स हैं, जो जैसे इंडिया और चाइना से कितने सारे लोग हैं जो अमेरिका में जाके काम करते हैं, और बाकी हमारे अरब नेशंस हैं वहां पे लोग जाके काम करते हैं। बॉर्डरलेस वर्ल्ड हो जाता है, बॉर्डरलेस जैसे कि कंट्रीज हैं, हर एक कंट्री की अपनी बाउंड्री है, तो वो बाउंड्री इतनी मैटर नहीं करती, क्योंकि सिंपल सी बात है, हम जो है अपनी कंट्री में बैठ के किसी भी कंट्री के में और बैठे हुए लोग से बात कर सकते हैं, हम वहां पे मूव कर सकते हैं, हम अपना पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, तो बॉर्डरलेस वर्ल्ड हो गया। कंपैरिजन इन टाइम एंड स्पेस, इंटरकनेक्टेड मैन एंड इंटरडिपेंडेंस, सिंपल सी बात है, इंटरकनेक्टेड मैन एंड इंटरडिपेंडेंस तो होगी ही। उसके बाद जो है बिगिनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन शुरू कहाँ से हुआ, ये वाला जो मूवमेंट है ग्लोबलाइजेशन कहाँ से शुरू हुआ। कुछ लोग तो कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन पहले भी हुआ करता था बहुत सारी सेंचुरीज एगो, क्योंकि तब जैसे कि ब्रिटेन ने बाकी कंट्रीज को अपनी कॉलोनीज बनाया हुआ था, तो ट्रेड होती थी, जो यहाँ से हमारे इंडिया से बहुत सारी कॉलोनीज थे दूसरी कंट्रीज में ट्रेड होती थी, यहाँ से रॉ मटेरियल जाता था, फिर फिनिश्ड गुड्स इधर आते थे। लेकिन तब ग्लोबलाइजेशन स्पॉन्टेनियस नहीं था, अपनी तरीके से नहीं था, वो जबरदस्ती वाला था, क्योंकि दूसरे कंट्रीज जो थे वो कॉलोनीज थी, हमारे कंट्रीज जैसे जो थे वो कॉलोनीज हुआ करते थे। और अगर तब सिर्फ ट्रेड होता था, ग्लोबलाइजेशन के अंदर सिर्फ ट्रेड नहीं आता है, ट्रेड इसके अंदर जो है मूवमेंट ऑफ मैन, मूवमेंट ऑफ फाइनेंसेस, ये सब भी आता है, और कम्युनिकेशन एक कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ, जैसे इंटरनेट के थ्रू हो गया, टेलीफोन के थ्रू हो गया, तो ये वाला कम्युनिकेशन सब कुछ ग्लोबलाइजेशन के अंडर आता है। तो ग्लोबलाइजेशन का जो फॉर्मल कह सकते हैं कि ओरिजिन हुआ, वैसे तो बहुत सारे लोग कहते हैं, जैसे सिंपल सी बात है, इसमें थोड़ा सा डिबेट ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि 1940s में हुआ था, 1940s में ग्लोबलाइजेशन का ओरिजिन हुआ था। ग्लोबलाइजेशन को कुछ लोग कैपिटलिज्म से जोड़ के देखते हैं कि कैपिटलिज्म, जैसे कि मार्क्स की अगर हम एग्जांपल लें, कार्ल मार्क्स जो हमारे थिंकर हैं वो कैपिटलिज्म के पूरी तरह से अगेंस्ट थे, वो नहीं चाहते थे कि कैपिटलिज्म हो, क्योंकि उनको लगता था कि कैपिटलिज्म जो है सिस्टम, इसमें क्या होता है कि उनका मेन काम क्या होता है, प्राइवेट के हाथों में सारा कुछ होता है, तो उनका मेन काम प्रॉफिट बनाना होता है। अगर प्रॉफिट बनाना है तो वर्ल्ड के किसी भी कोने में वो लोग जाएंगे प्रॉफिट बनाने के लिए। कैपिटलिज्म के वो अगेंस्ट थे, तो अगर वर्ल्ड के किसी भी कैपिटलिज्म के थ्रू इस ये वाला जो इनका मेथड था, तो कैपिटलिज्म के थ्रू वो प्रॉफिट बनाना चाहते हैं, और प्रॉफिट बनाने के लिए वो वर्ल्ड के किसी भी कोने में जाएंगे। ये भी एक टाइप का ग्लोबलाइजेशन है, जो कि कार्ल मार्क्स ने कहा था कि कंट्रीज, तो उन्होंने कैपिटलिज्म को जिम्मेदार ठहराया। उसके बाद जैसे लेनिन थे, लेनिन के बारे में भी हमने पढ़ा है, लेनिन ने कहा था कि जो इंपीरियलिज्म है वो कैपिटलिज्म की हाईएस्ट स्टेज इंपीरियलिज्म है, जहां पे कोई किसी को एक्सप्लॉइट करने से पीछे नहीं हटता। तो उसके बाद ये कैपिटलिज्म, ग्लोबलाइजेशन, तो इनका जो है ओरिजिन टेक्निकल, इनके अंडर क्या क्या आ जाता है, टेक्निकल इनोवेशंस, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो मेन जो है इसमें इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंदर जैसे तीन इवेंट्स हुए थे, WTO 1940s में ये सारा ओरिजिन हुआ था, WTO का वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड और वर्ल्ड बैंक। ये सारे जितने भी इंस्टीट्यूशन है ये वेस्टर्न लेड हैं,
वेस्टर्न कंट्रीज ने जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू खत्म हुई थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1940 में जैसे ही खत्म होती है, उसके बाद जैसे समझ में आता है कि वर्ल्ड में जो है 1945 में वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होती है, तब समझ में आया कि कंट्रीज को एक अकेले नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि तब पता चला कि जो इटली में हुआ, इटली के बाद जो जर्मनी में हुआ था नाजिज्म, जर्मनी में जो नाजिज्म वाली आइडियोलॉजी थी, जो यहाँ पे जो कुछ भी जर्मनी में हुआ था, तो जर्मनी में जो नाजिज्म सिस्टम था, तब निकल के आया कि एक्सट्रीम जो, सॉरी मैं राइटिंग पैड पे लिखते हुए थोड़ी गड़बड़ होती है, एक्सट्रीम जो एक्सट्रीम नेशनलिज्म की वजह से क्या हुआ था, कंट्रीज ने लोगों को अपने ही लोगों से इतने सेक्रीफाइसेस मांगे कि देश के लिए अपनी जान दो, वो खुद रूलिंग पार्टीज जैसे नाजिज्म सिस्टम जर्मनी में था, इटली में फासिज्म था, तो उन लोगों ने ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की, ह्यूमन राइट्स को बहुत बहुत ज्यादा वायलेट किया गया, अपने ही लोगों को मारा गया। तो जब एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, तब ये रियलाइज किया वर्ल्ड कम्युनिटी ने कि किसी भी कंट्री में एक्सट्रीम नेशनलिज्म हमने प्रमोट नहीं होने देना है। तो इससे बचने का तरीका है कंट्रीज आपस में जुड़ के रहे, उनका आपस में कनेक्शन हो। सो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ट्रेड को प्रमोट करने के लिए WTO बनाया गया, कि वर्ल्ड ट्रेड को प्रमोट करने के लिए WTO बनाया गया। तो WTO से भी क्या हो रहा है, वर्ल्ड ट्रेड बढ़ रही है, तो एक टाइप का ग्लोबलाइजेशन के अंडर आता है। IMF क्या है, IMF जो है शॉर्ट टर्म और थोड़ा हम कह सकते हैं मिडल टर्म जो है लोन्स वगैरह देने के लिए होता है, जो बाकी कंट्रीज को पूरे वर्ल्ड को देता है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है। अगर आपको शॉर्ट टर्म या मिडल टर्म कुछ कंट्रीज को फंड चाहिए, लोगों को नहीं कंट्रीज को फंड्स चाहिए, तो ये प्रोवाइड करता है। बाकी ये अपने कुछ कंडीशंस भी रखते हैं, उसके बाद ये देते हैं लोन वगैरह फंड वगैरह। और वर्ल्ड बैंक से तो हम जो है डेवलपमेंट फंड्स देते हैं, ये हमें डेवलपमेंट लोन्स देते हैं जो कि लॉन्ग टर्म होते हैं। सो ये सारे इंस्टीट्यूशंस क्या थे, पूरे कंट्रीज को एक साथ ला रहे थे। तो ये 1940s में हुआ, लेकिन उसके बाद जो है कोलैप्स ऑफ USSR हुआ 1991 में। क्या था कि पहले 1991 से पहले क्या था, एक बड़ा देश था USSR, तो जो बाद में 1991 में डिसइंटीग्रेट हो गए, पीछे एक बड़ा स्टेट रह गया रशिया, बाकी सारे ईस्टर्न यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज हैं, सेंट्रल एशियन इकोनॉमीज हैं, जो कभी USSR का पार्ट हुआ करती थी, फिर बाद में उससे अलग हो गई थी। सो इसमें क्या हुआ था, कंट्रीज जो थे USSR के अंडर, वहां पे सोशलिज्म सिस्टम था, वहां पे जो सिस्टम था वो सोशलिज्म सिस्टम था। सोशलिज्म में क्या है कि बाहर के वर्ल्ड से ज्यादा कनेक्शन नहीं होता था, क्योंकि वहां पे सारा कुछ स्टेट ने प्रोड्यूस करना है, स्टेट ने ही डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो सब कुछ स्टेट के हाथों में होता था। तो वहां पे लोग जो थे वहां से तंग आ गए थे, क्योंकि वहां पे लोगों को जो है ज्यादा काम करने का कोई इंसेंटिव नहीं मिलता था, वहां पे जैसे सिस्टम था सबको बराबर रखना है, ऐसा करके लोगों को जो है, तो लोगों से डिमांड उठी कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए, लिबरल डेमोक्रेसी। लोगों ने लिबरल डेमोक्रेसी की डिमांड की। तो लोगों ने क्या किया, USSR में जो पहले कंट्रीज हुआ करते थे उनके अंदर बहुत ज्यादा मूवमेंट्स चले, उन्होंने अपनी ही गवर्नमेंट को गिराया और USSR से एक एक करके अलग हो गए। तो वहां पे अलग होने का मतलब क्या है, अलग होने का मतलब है कि उन्होंने डेमोक्रेसी को चुना और लिबरल डेमोक्रेसी को चुना। कहने का मतलब है अपना इकोनॉमिक सिस्टम भी वो चाहते थे, USSR से अलग होके वो चाहते थे कि उनका जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो वर्ल्ड के साथ कनेक्ट हो जाए, क्योंकि सोशलिज्म में तो ऐसा होता नहीं, लेकिन लिबरलिज्म में ऐसा होता है कि वर्ल्ड के साथ कनेक्ट हो जाए। सो जैसे ही कोलैप्स होता है USSR का, बाकी कंट्रीज अलग हो जाते हैं, न्यू लिबरल जो मूवमेंट है वो चलता है उनके अंदर, कंट्रीज के अंदर। तो कंट्रीज क्या करते हैं कि ये वाले जो कंट्रीज है उससे अलग होते हैं, वहां पे डेमोक्रेसी आ जाती है और लिबरल सिस्टम आता है, तो वर्ल्ड के साथ ये कनेक्ट हो जाते हैं। तो ऐसे करके जो है ग्लोबलाइजेशन इधर वाले कंट्रीज में आ जाती है। ईस्टर्न यूरोप के कंट्रीज हैं जहां पे 1991 में लिबरल डेमोक्रेसी आती है, ग्लोबलाइजेशन का मूवमेंट चलता है, ग्लोबलाइजेशन आती है। कहने का मतलब है वो कंट्रीज भी अपने आप को वर्ल्ड के साथ कनेक्ट कर लेते हैं।
ये तो हो गया यूएसएसआर का. बाकी अगर हम बाकी कंट्रीज में देखें कि कहाँ पे कैसे ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट शुरू हुआ, किस तरह से ग्लोबलाइजेशन चला, तो अगर हम चाइना की बात करें, चाइना में सब कुछ बहुत ही पीसफुल हुआ था. बहुत ही पीसफुल कहने का मतलब है कि उन्होंने बहुत सोच समझ के सब कुछ चला, और वहां पे इतने बड़े कोई मूवमेंट नहीं हुए, कोई उनसे अलग देश नहीं निकला, एक ही जो देश था वही चला, वही बना हुआ है आज भी. तो इन्होंने क्या किया, ग्लोबलाइजेशन का इनको एडवांटेज हुआ क्योंकि पॉवर्टी वगैरह को इन्होंने काफी रिड्यूस किया. बहुत ज्यादा चाइना के अंदर बाहर से इन्वेस्टमेंट आती है, ये बाहर की इन्वेस्टमेंट को बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं, बहुत ही ज्यादा प्रमोट करते हैं कि बाहर से इन्वेस्टमेंट आए. जो बाहर से इन्वेस्टर्स आते हैं बहुत उनको अच्छा फील कराते हैं, चाहे वो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट भी ना लेके आए. तो ऐसा करके चाइना ने बाहर से इन्वेस्टमेंट को प्रमोट, वो अंदर से ही अभी कम्युनिस्ट है, अभी कहते हैं ना कम्युनिस्ट चाइना. कम्युनिस्ट चाइना तो सिर्फ इनके पॉलिटिकल फील्ड में ही कह सकते हैं कि जैसे एक पार्टी का रूल है, लेकिन इकोनॉमिक फील्ड में ये अभी कम्युनिस्ट नहीं रह गए हैं, ये पूरे ग्लोबल हो गए हैं. लिबरल सिस्टम चलता है इनके भी यहाँ, कहने में और करने में बहुत फर्क, कहने में और होने में बहुत फर्क होता है. पहले सिस्टम जो जैसा था अब बहुत हद तक चेंज हो चुका है, लेकिन अभी भी उसको कम्युनिस्ट चाइना ही कहते हैं. और अगर हम बाकी कंट्रीज जैसे कि डेवलपिंग कंट्रीज की बात करें, जैसे कि इंडिया जैसी कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज, तो वहां पे क्या है कि बहुत सारी डेवलपिंग कंट्री में अभी भी सोशलिज्म को ही फॉलो किया जाता है. वर्ल्ड के साथ कनेक्शन है 1991 के बाद काफी कंट्रीज का हो गया था, बहुत कंट्रीज का, लेकिन फिर भी कुछ कंट्रीज का ज्यादा हुआ तो कुछ कंट्रीज का कम हुआ था. हमारे इंडिया में भी क्या हुआ था, जैसे 1991 में, इससे पहले हमारे इधर जो था फाइनेंशियल इमरजेंसी लगने वाली थी, हमारे इधर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगने वाली थी क्योंकि हमने जो है जरूरत से ज्यादा खर्चा कर दिया था. सोशल, राजीव गांधी जी की गवर्नमेंट के टाइम पे सोशल स्कीम्स पे बहुत ज्यादा खर्चा कर दिया गया था, तो इंडिया का जो एक्सपेंडिचर था वो उसके इनकम से बढ़ गया था. तो इस टाइम पे उनको बाहर से लोन लेना पड़ा. तो लोन कौन देता है, जब कोई कंट्रीज फाइनेंशियल क्राइसिस फेस कर रहे होते हैं तो उनको लोन देता है IMF. वर्ल्ड बैंक कौन से लोन देता है, वर्ल्ड बैंक देता है डेवलपमेंटल लोन, जैसे कि हमें कोई स्कीम्स वगैरह के लिए लोन चाहिए, लॉन्ग टर्म लोन चाहिए, कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए चाहिए, तो वर्ल्ड बैंक देता है. लेकिन कोई भी कंट्री अगर फाइनेंशियल क्राइसिस फेस करती है, उनको अगर लोन चाहिए तो कहाँ से मिलता है, IMF से मिलता है. तो IMF जो है फ्री में लोन नहीं देता है, लोन के साथ वो कंडीशंस भी लगाते हैं. लोन डेफिनेटली वापस तो करना ही होता है, लेकिन साथ में वो कंडीशंस भी लगाते हैं. तो हमारे इंडिया के ऊपर भी उन्होंने कंडीशंस लगाई थी कि जो सोशल स्कीम्स के ऊपर अपना खर्चा है उसको कट करना है, और अपनी वर्ल्ड वर्ल्ड की अपनी जो इकोनॉमी है उसको ओपन करना है बाहर से, बाहर के लिए. कहने का मतलब है जो इससे पहले हमने इंपोर्ट लेड वाली पॉलिसी अपनाई हुई थी उसको छोड़ के हमने अपनी इकोनॉमी को वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट करना है. कहने का मतलब है हमें एक्सपोर्ट भी बढ़ाने हैं और इंपोर्ट भी बढ़ाने हैं, अपना सिस्टम जो है हमें बाहर की कंट्रीज के साथ जो है अपना जोड़ना है. तो ऐसे करके इंडिया में ग्लोबलाइजेशन का मूवमेंट शुरू हुआ था, क्योंकि तब हमने जो है बाहर बहुत सारे जो है रिलैक्सेशंस दे दिए थे. आपने इकोनॉमी में डेफिनेटली पढ़ा होगा 1991 में क्या हुआ था, कितने सारे IMF ने कंडीशंस लगाए थे, और वो कंडीशंस को फुलफिल करने के लिए हमने कितने सारे जो है अपने फाइनेंशियल सेक्टर को कितना लिबरल बना दिया था. तो ऐसे करके काफी सारा कुछ हुआ था. तो वहां पे ऐसे ऐसे आई थी हमारे यहाँ इधर ग्लोबलाइजेशन का मूवमेंट ऐसे शुरू हुआ था. लेकिन फिर भी इतनी सारी कंडीशंस के बाद भी हमने जो है पूरी तरह से, हमारा ट्रेड कभी बहुत ज्यादा नहीं रहा था बाहर के कंट्रीज के साथ, हम फिर भी कॉशियस रहे थे बहुत ज्यादा. तभी तो 2008 वाला जो फाइनेंशियल क्राइसिस था वो हमें ज्यादा इम्पैक्ट नहीं कर पाया था. 2011 वाला क्राइसिस हमें बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं कर पाया था. ब्राजील को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट किया, ब्राजील की इकोनॉमी एक टाइम में अच्छी इकोनॉमी बन गई थी, लेकिन ये सारे क्राइसिस की वजह से बहुत ज्यादा खराब हो गई. क्योंकि ब्राजील में क्या है, एक तो चलो इंटरनल करप्शन है, वहां पे इंटरनल करप्शन था, और एक क्या था कि वो एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी है, वहां पे एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा आइटम्स का होता है तभी वो ज्यादा पैसे कमाते हैं. तो वहां पे ब्राजील में क्या हुआ था कि एक्सपोर्ट करने, अब जो एक्सपोर्ट इंपोर्टिंग कंट्रीज थी जो इम्पोर्ट करते थे ब्राजील से, उनकी तो अपनी ही कंडीशन खराब हो गई थी. तो इस तरह से ब्राजील के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा, इंडिया के ऊपर नहीं पड़ा. हमारे इधर जो ट्रू सेंस में प्राइवेटाइजेशन वाला मूवमेंट शुरू हुआ है वो हमारे मोदी जी ने ही किया है. 2014 ऑनवर्ड्स ज्यादा शुरू हुआ है क्योंकि मोदी जी ने ज्यादा प्रमोट किया है फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को, प्राइवेटाइजेशन को, तो तब ये सब ज्यादा शुरू हुआ. लेकिन अभी भी बहुत कुछ कंट्रीज हैं जो ज्यादा
ग्लोबलाइजेशन से थोड़ा दूर ही हैं, जैसे कि नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया के किस्से आए दिन आते रहते हैं, नॉर्थ कोरिया हो गए, क्यूबा हो गया, तो इधर जो है ज्यादा अभी ग्लोबल मूवमेंट से इनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। उसके बाद है रेस्पॉन्सेज टू ग्लोबलाइजेशन, कौन सी कंट्री ने किस तरह से रेस्पॉन्ड किया ग्लोबलाइजेशन को। अगर हम देखें 20th सेंचुरी तक ग्लोबलाइजेशन से बेनिफिट ले रही थी डेवलप्ड कंट्रीज, क्योंकि 1947 में जब हमें इंडिपेंडेंस मिलती है तो हम क्या करते हैं कि अपनी इकोनॉमी को बाहर के लिए बंद कर देते हैं। हम इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसी लगाते हैं कि हमें बाहर से कुछ भी इम्पोर्ट ना करना पड़े, ना ही हम एक्सपोर्ट करें, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है, हमें अपनी इकोनॉमी को स्ट्रांग बनाना है, किसी के ऊपर हमें डिपेंड होके नहीं रहना है। तो ये हमारी पॉलिसी थी जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन को हमने अपने अंदर आने ही नहीं दिया। तो उस टाइम पे सिर्फ इंडिया में ही नहीं, और भी बहुत सारे कंट्रीज थे जिन्होंने ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट से कोई एडवांटेज नहीं ली, लेकिन उस टाइम पे डेवलप्ड कंट्रीज ने बहुत एडवांटेज ली। उनका ट्रेड बहुत ज्यादा होता था दूसरे कंट्रीज के साथ, और उस चीज से उन्होंने बहुत ज्यादा एडवांटेज ली, क्योंकि जिस कंट्री का एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा होता है तो उनको डेफिनेटली एडवांटेज मिलती ही है। तो डेवलप्ड कंट्रीज ने 2000 तक बहुत अच्छे से एडवांटेज लिया है। और उसके बाद जो है 20th सेंचुरी के बाद जिन कंट्रीज ने बेनिफिट लिया है वो है ब्रिक्स कंट्रीज। ब्रिक्स में क्या क्या आता है, एक तो आता है ब्राजील आता है, रशिया आता है, उसके बाद जो है इंडिया आता है, चाइना आता है, साउथ अफ्रीका आता है। साउथ अफ्रीका बाद में ऐड हुआ था, पहले नहीं था, पहले ये ब्रिक हुआ करता था, बाद में ब्रिक्स बना है। सो ये वाले कंट्रीज जो है इन्होंने ग्रुप अपना एक ग्रुप बनाया, ये सारे डेवलपिंग कंट्रीज थे। क्योंकि रशिया क्या था, एक टाइम पे तो यूएसएसआर जब बड़ा हुआ करता था तब तो बहुत ही इनके पास पावर थी, कहने का मतलब है, क्योंकि जो है कोल्ड वॉर के टाइम पे भी दो ही ब्लॉक थे, एक यूएसएसआर हुआ करता था और एक यूएसए हुआ करता था। लेकिन फिर क्या हुआ कि जैसे 1991 में यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है तो पीछे रशिया बचता है, तो वो उतना स्ट्रांग नहीं रहता है। सो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इन लोगों ने, साउथ अफ्रीका बहुत आई थिंक 2009 में ऐड हुआ था, तो उससे पहले ये जो थे चार ही थे, ब्रिक थे। तो इनको जो है इनकी इकोनॉमीज बाद में बहुत अच्छे से ग्रो की, रशिया की इकोनॉमी ग्रो की, चाइना की, इंडिया की, ब्राजील की, साउथ अफ्रीका की। तो इनको ग्लोबलाइजेशन से काफी फायदा हुआ। ग्लोबलाइजेशन में इन्होंने क्या किया, बाहर के कंट्रीज के साथ अपने लिंक बनाए, बाहर से इन्वेस्टमेंट्स मंगवाए, जिसकी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट जब आए तो डेवलपमेंट हुई, हमने ट्रेड बना, इन कंट्रीज ने अपना ट्रेड बढ़ाया, जिसकी वजह से इनको बहुत ज्यादा इनकम हुई। तो उसके बाद है राइज ऑफ इनइक्वालिटीज भी हुआ। इनइक्वालिटीज का इस तरह से ग्लोबलाइजेशन का, ये कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन अमीर को अमीर बनाती है, गरीब को गरीब बनाती है। अब ऐसा क्यों, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन में क्या है कि टैलेंट की बहुत कदर होती है, जो लोग पैसा बनाना जानते हैं वो बहुत बहुत बना सकते हैं, लेकिन ग्लोबलाइजेशन से बहुत सारी चीजें महंगी हो जाती हैं, तो इसकी वजह से जो गरीब है, जिसने अपना अपना जो है वही अपना वेजिस के ऊपर ही जीवन बिताना है, तो वेजिस कितने बढ़ते हैं, 200-300 रुपए होता है, कहीं पे 150 है अभी भी, एक दिन का 200-300-250 इतना ही होता है, लेकिन खर्चे जो है बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं अब के टाइम में। सो इस तरह से गरीब जो है वो गरीब रहता है, अमीर जो है और अमीर होता जाता है, क्योंकि मनी मेकिंग के अभी बहुत साधन है। कोई भी इंसान आज आज अगर किसी में कोई टैलेंट है, पढ़ा लिखा है, तो घर में बैठ के पैसे कमा सकता है। सो इस तरह से राइज ऑफ इनइक्वालिटीज हुआ। तो डेवलप्ड कंट्रीज ने जो था 20th सेंचुरी तक बहुत एडवांटेज लिया। WTO डेवलप्ड कंट्रीज के इशारों पर ही चला है अब तक। जो जो पॉलिसीज इनको डेवलप्ड कंट्रीज को फायदेमंद लगती थी वो उन पॉलिसीज को अडॉप्ट करते थे, और डेवलपिंग कंट्रीज बेचारे कुछ कर नहीं पाते थे, उनको उनकी सुननी पड़ती थी। क्योंकि बहुत बार WTO में ऐसा हुआ है कि इंडिया को, बहुत सारी कंट्रीज को उनके डेवलप्ड कंट्रीज के बहुत सारे पॉलिसीज पसंद नहीं आए, तो लेकिन इनको फिर भी उनको सपोर्ट करना पड़ता था क्योंकि इनकी कोई सुनने वाला नहीं था, गरीब को वैसे भी कौन सुनता है। सो सिंपल सी बात है। WTO में क्या है, WTO के मेंबर्स वो मेंबर्स को ज्यादा फायदा है जो एक्सपोर्ट करते हैं। तो अब डेवलप्ड कंट्रीज एक्सपोर्ट करते थे, उनको ज्यादा एडवांटेज हुआ। डेवलपिंग कंट्रीज तो बेचारे, इनका तो इम्पोर्ट ज्यादा होता है तो उनको नुकसान होता है थोड़ा।
तो बहुत सारा कोशिश करके, बहुत ज्यादा कोशिश करके डेवलपिंग कंट्रीज जो थे उन्होंने दोहा डेवलपमेंट एजेंडा लाया 2001 में WTO में, जिसमें बहुत सारी ऐसी कंडीशंस लिखे हुए थे कि डेवलपिंग कंट्रीज को भी फायदा हो, लेकिन उसको आज तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। उसके बाद है 2008 में क्राइसिस आता है, तब ये वाले कंट्रीज जो है डेवलप्ड कंट्रीज गिरना शुरू हो जाते हैं। पहले यूएसए गिरता है, सबसे पहले 2008 में यूएसए की हालत बहुत खराब होती है, गिरता है। उसके बाद वेस्टर्न यूरोप के कंट्रीज गिरते हैं, तो एक एक करके सब में क्राइसिस आता है। तो उसके बाद है बैकलैश फ्रॉम वेस्टर्न कंट्रीज, तो ऐसा करके ग्लोबलाइजेशन वाला जो मूवमेंट है वो कुछ हद तक वेस्टर्न कंट्री से बाहर जा रहा है। जैसे पहले ग्लोबलाइजेशन को वेस्टर्न कंट्रीज ने ही प्रमोट किया, जब उनको लगा अब ये कंट्रीज को सबसे ज्यादा फिर नुकसान भी ग्लोबलाइजेशन ने ही किया, क्योंकि इनकी इकोनॉमी जो है बाकी सबके साथ जुड़ी हुई थी और ज्यादातर इन्हीं को जो है नुकसान हुआ। तो शुरू में इसने बेनिफिट किसको किया, बेनिफिट किया कैपिटलिस्ट को, डेफिनेटली कैपिटलिस्ट लोगों को ही ज्यादा फायदा करेगी। तो उसके बाद है जैसे ब्लू कॉलर वर्कर्स को अफेक्ट, ब्लू कॉलर वर्कर्स अफेक्टेड ड्यू टू जॉब शिफ्टिंग टू चाइना एंड इंडिया। तो बहुत सारी जगह पे ऐसा भी हुआ कि जॉब शिफ्ट हो गए, जैसे कि बीपीओ के जॉब्स होते हैं वो चाइना इंडिया में, जैसे कुछ हद तक ये लोग हमारे इंडिया में काम कर देते हैं, तो जॉब जो है शिफ्ट हुए इंडिया चाइना में। उसके बाद डीग्लोबलाइजेशन पॉपुलिस्ट मेजर्स इन वेस्ट, अब वेस्ट में क्या है कि एंटी ग्लोबल मूवमेंट चल रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन का अब जो है बैकलैश हो रहा है, वापिस आ रही है वेस्टर्न कंट्रीज को, क्योंकि अब वेस्टर्न कंट्रीज ने क्या किया है अपने अपने द्वार जो है बंद करना शुरू कर दिए हैं बाकी कंट्रीज के लिए। जैसे अमेरिका में जब भी ट्रंप के इलेक्शंस हुए थे तो उन्होंने क्या कहा था, अमेरिका फर्स्ट। अमेरिका फर्स्ट का मतलब है कि जो भी करेंगे पहले अमेरिका के लिए करेंगे, जॉब्स क्रिएट जितने भी अमेरिका के जॉब्स हैं वो पहले अमेरिकन्स को रखेंगे, बाद में जो इंडिया चाइना के इतने सारे लोग वहां पे काम कर रहे हैं उनके लिए होगा। और ये भी कह दिया था कि इम्पोर्ट जो है चाइना से इतना ज्यादा होता है वो भी नहीं करेंगे, सब कुछ अमेरिका में प्रोड्यूस किया जाएगा। और वेस्टर्न यूरोप के बाकी भी कंट्रीज है जैसे फ्रांस है और कंट्रीज हैं जहाँ पे इलेक्शंस हुए थे, तो उन्होंने राइट पार्टीज को जितवाया था। राइट पार्टीज वाले लोग क्या करते हैं, वो नेशनलिज्म की तरफ ज्यादा झुकाव होता है उनका। नेशनलिज्म की तरफ झुकाव होने का मतलब है अपनी कंट्रीज के बॉर्डर्स को बंद कर दो दूसरी कंट्रीज के लिए। तो जैसे ब्रेक्सिट हुआ था, ब्रेक्सिट में क्या हुआ था, यूएसएस ईयू से, यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन जो है वो बाहर आ गया है। तो बाहर आया है इसका मतलब इनको लगता था कि जो बाकी कंट्रीज के लोग हैं जैसे लेबर वगैरह है वो ब्रिटेन में ज्यादा बढ़ रहा है, तो ब्रिटेन के लोगों को जॉब्स नहीं मिल रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं कि अब जो है अपने वर्ल्ड के साथ जो इनका कनेक्शन था, जो इंटीग्रेशन था, वो कम कर रहे हैं, वापिस आ रहे हैं। उसके बाद है जिग्नोस्टिक नेशनलिज्म प्लस राइज ऑफ राइटिज्म, ये फिगर जो है उसी के साथ ही है जो हमने पहले पढ़ा है, ये वाले फिगर के साथ डीग्लोबलाइजेशन। तो इसमें जो हमने अभी पढ़ा नेशनलिज्म, राइज ऑफ राइटिज्म, राइटिज्म, तो ब्रेक्सिट एंड राइज ऑफ ट्रंप, जिसकी वजह से ज्यादा वेस्टर्न वर्ल्ड में ये सब एंटी ग्लोबल मूवमेंट्स चल रहे हैं। सो टुडे ग्लोबलाइजेशन इज इन क्राइसिस मूविंग टुवर्ड्स ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर। सो एक टाइम पे कोई चीज जब पीक पे जाती है ना, सिंपल सी बात है, कोई भी चीज अगर एक टाइम पे पीक पे जाएगी, कोई बिजनेस हो गया, कोई काम हो गया, कुछ भी हो गया, तो एक बार उसको टॉप से धीरे धीरे करके वो हमेशा कोई चीज टॉप पे नहीं बैठी रहेगी, उसको नीचे आना होता है। सो ग्लोबलाइजेशन जब अपने टॉप पे गई तो उसको भी नीचे आना ही था। सो ग्लोबलाइजेशन किसी टाइम पे बहुत टॉप पे थी, तो अभी जो क्या हो रहा है कि अब के टाइम में ग्लोबलाइजेशन क्राइसिस में है, अब के टाइम में ग्लोबलाइजेशन क्राइसिस में है। ग्लोबलाइजेशन इज बेस्ड ऑन थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज गिवन बाय डेविड रिकार्डो। ग्लोबलाइजेशन से क्या माना जाता है कि डेवलपमेंट होती है, ग्लोबलाइजेशन से डेवलपमेंट होती है, क्योंकि क्या होता है कि हम जो है किसी भी कंट्री से अपने फंड्स मंगवा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट मंगा सकते हैं। जैसे इंडिया है, इसके पास बहुत सारे पैसे नहीं है, है कि नहीं पता नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज वाले जो लीडर्स होते हैं वो तो यही कहते हैं कि हाँ भाई हमारे जो मतलब हमारे जो लीडर्स हैं वो तो यही कहते हैं कि गवर्नमेंट में जो होते हैं कि हमारा खर्चा ज्यादा हो जाता है, हमारी इनकम बहुत कम है। तो ग्लोबलाइजेशन से डेवलपमेंट इस तरह से होती है कि जैसे हम जो है बाहर से फॉरेन डायरेक्ट जो इन्वेस्टमेंट होती है वो मंगवाते हैं,
फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मंगवाते हैं, वो यहाँ पे आके इन्वेस्ट करते हैं, अपने इंडस्ट्रीज बनाते हैं, यहाँ के लोगों को काम देते हैं, और जो खर्चा करते हैं वो हमारे वो कंट्री के अंदर ही करते हैं, जिससे उसकी जीडीपी बढ़ती है। सो बाकी जो है शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट करते हैं। उसके बाद जो है डेवलपमेंट होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है डेफिनेटली, क्योंकि जीडीपी बढ़ती है। सो उसके बाद है मोर इकोनॉमिक एक्टिविटीज, क्योंकि जब वो अपनी इंडस्ट्रीज इधर आके लगाएंगे तो डेफिनेटली ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, जिसकी वजह से हमारी जीडीपी बढ़ती है, ज़्यादा बिजनेस होता है, मार्केट्स बड़े होते हैं, तो ये सारा कुछ होता है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। उसके बाद है कंपैरेटिव एडवांटेज, अगर हम देखें कि किसको किस तरह से मिली, इंडिया को सबसे ज़्यादा एडवांटेज मिली सर्विसेज से। इंडिया जैसे कि नॉर्मली कंट्रीज में क्या होता है, लोग पहले एग्रीकल्चर पे होते हैं, फिर शिफ्ट करते हैं इंडस्ट्री पे, तो उसके बाद जाते हैं सर्विसेज पे। सबसे पहले कंट्रीज की, जैसे कि डेवलपिंग कंट्रीज जो है उनकी जीडीपी सबसे, जब उनको इंडिपेंडेंस मिली थी, सबसे ज्यादा जीडीपी एग्रीकल्चर से आती थी, फिर इंडस्ट्री से, फिर सर्विसेज से। हमारे यहाँ क्या हो गया कि इंडस्ट्री वाला फेज जो है वो एकदम गायब ही है एक तरीके से। पहले हमारा जो था सबसे ज्यादा जीडीपी हमें एग्रीकल्चर से ही मिलती थी, अब सबसे ज्यादा हमें सर्विसेज से मिलती है, क्योंकि इंडस्ट्रीज पे हमने, हमारी गवर्नमेंट ने उतना जोर नहीं दिया जितना देना चाहिए था। जैसे मोदी गवर्नमेंट जब आए तब उन्होंने मेक इन इंडिया के थ्रू इंडस्ट्रीज को बहुत आगे करने की कोशिश की। उससे पहले जब ये सब करना चाहिए था, तीन चार डेकेड पहले, तब ये सब नहीं हुआ, इंडस्ट्रीज में ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई, तो हम जो है सीधा सर्विसेज पे शिफ्ट कर गए, तो हमें जो है सर्विसेज से ज्यादा एडवांटेज हुई। तो उसके बाद है चाइना को किससे एडवांटेज हुई, मैन्युफैक्चरिंग से। चाइना जो है हमें पता है मैन्युफैक्चरिंग हब है, एक्सपोर्ट करते हैं, और अफ्रीका को कॉटन से। एडवांटेजेस ओवर अदर कंट्रीज, नो पॉइंट इन प्रोड्यूसिंग द कमोडिटीज विच आर नॉट गुड एट। सो सिंपल सी बात है, जो कमोडिटीज हमारे किसी कंट्री में नहीं प्रोड्यूस किए जा सकते हैं, उसको वहां पे प्रोड्यूस मत करो। मान लो कोई, जैसे कि राइस है, राइस को प्रोड्यूस करने के लिए बहुत ज्यादा वाटर की जरूरत होती है। अब मान लो किसी कंट्री में पानी ही नहीं है, अफ्रीका में मान लो, जहां पे ज्यादा पानी ही नहीं है, जिस कंट्री में मान लो जब ज्यादा पानी ही नहीं है, तो वो क्यों राइस प्रोड्यूस करेगा? उसको अगर वो खुद प्रोड्यूस करेंगे तो महंगा पड़ेगा, अगर वो बाहर से इम्पोर्ट कर लेते हैं तो उसको सस्ता पड़ेगा, तब उसको चीप पड़ेगा। सो ग्लोबलाइजेशन का यही मतलब था, जो सबसे ज्यादा एडवांटेज हुई कि जो हम प्रोड्यूस करने में सक्षम है, कर सकते हैं, उसको प्रोड्यूस करो, जो हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते उसको प्रोड्यूस करने का कोई फायदा नहीं है, उसको छोड़ दो, उसको बाहर से इंपोर्ट करो, इंपोर्ट करने में हमें सस्ता पड़ेगा। स्कॉलर्स अगर ग्लोबलाइजेशन के ऊपर जिन्होंने बात की है, जोसेफ स्टिग्लिट्स है, उनकी बुक है ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स डिसकंटेंट्स। उसके बाद है मेकिंग ग्लोबलाइजेशन वर्क। उसके बाद क्रिटिसाइज सबसे ज्यादा ग्लोबलाइजेशन को मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स ने किया है, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया। सबसे पहले जो मार्क्सिस्ट स्कॉलर, जो सबसे पहले जो थे कार्ल मार्क्स कैपिटलिज्म के एकदम अगेंस्ट थे। उनको कैपिटलिज्म सिस्टम जो है बहुत खराब लगता था। क्यों? क्योंकि कैपिटलिज्म में क्या होता है, एक्सप्लॉयटेशन होती है। कैपिटलिज्म में क्या होता है, प्राइवेट के हाथों में सब कुछ होता है, तो उनका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट बनाना। सो अगर किसी का मेन मोटिव प्रॉफिट ही बनाना है, तो प्रॉफिट की कोई एंड नहीं है कि हमें किस हद तक जाना है, कोई हद नहीं है इसकी। सो प्रॉफिट जब बनाना है तो हद, वो अपनी हद पार करके एक्सप्लॉयटेशन की तरफ बढ़ जाते हैं वर्कर से। उन एक टाइम पे ब्रिटेन में वर्कर जो होते थे 16 घंटे 18 घंटे 20-20 घंटे तक काम करते थे, और बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे होते थे 7-8 साल के बच्चे, उनसे भी काम करवाया जाता था। तो काम इनसे इतना करवाया जाता था, दिया इनको कुछ नहीं जाता, सिंपली इनको वेजेस के ऊपर रखा जाता था, और जितना भी प्रॉफिट होता था वो कैपिटलिस्ट लोग ले जाते थे, और बदले में इनको जो है कोई पॉलिटिकल राइट, जैसे राइट टू वोट वगैरह, ऐसा भी कुछ नहीं मिलता था। सो जिनके हाथ में इकोनॉमिक सिस्टम, उसी के हाथ में पॉलिटिकल सिस्टम, ऐसा कार्ल मार्क्स का कहना था। तो इसीलिए कार्ल मार्क्स क्या थे, कैपिटलिज्म के बहुत ही ज्यादा अगेंस्ट थे। ये मानते थे कि कैपिटलिज्म जैसे कि एक सिस्टम, कैपिटलिज्म सिस्टम है, कैपिटलिज्म में प्रॉफिट बनाना है, तो प्रॉफिट बनाने के लिए इंसान क्या करेगा, दुनिया के किसी भी कोने में जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि जहां जहां से उसे प्रॉफिट बना सकता है वहां वहां वो जाएगा। सो अगर वो कंट्रीज, बाकी कंट्रीज में भी मूव करेगा, उनके साथ अपनी ट्रेड बढ़ाएगा, या वहां से कुछ भी उनके साथ लिंक होगा, तो वो क्या है, एक टाइप का ग्लोबलाइजेशन है। इसीलिए वो ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट थे, क्योंकि वो ग्लोबलाइजेशन को कैपिटलिज्म के साथ जोड़ के देखते थे,
और कैपिटलिज्म सिस्टम को वो नफरत करते थे, इसीलिए वो ग्लोबलाइजेशन को उन्होंने क्रिटिसाइज किया है। और जो बाकी काल बाकी उसके बाद मार्क्सिस्ट थिंकर्स पैदा हुए, उन्होंने भी क्रिटिसाइज किया है ग्लोबलाइजेशन को। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था लेनिन ने क्या कहा था कि इंपीरियलिज्म जो है कैपिटलिज्म की हाईएस्ट स्टेज है, ऐसी स्टेज जहाँ पे किसी को भी एक्सप्लॉइट करने से कैपिटलिस्ट लोग पीछे नहीं हटेंगे, वो किसी को भी एक्सप्लॉइट करेंगे। सो इसीलिए मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स ने हमेशा ही, जैसे मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स ने कौन से सिस्टम को प्रमोट किया है, सोशलिज्म को, कि सोशलिज्म होना चाहिए। सोशलिज्म में क्या होता है, सब कुछ स्टेट लेड होता है, स्टेट के हाथों में सारा कुछ होता है, स्टेट लेड चीजें, स्टेट लेड होता है सारा सिस्टम, जिसमें स्टेट क्या करेगा, जिसकी जितनी जरूरत है उसको उतना देगा, जहां पे कोई भी कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन फ्यू हैंड्स बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे सारा कुछ प्राइवेट के हाथों में तो कुछ है ही नहीं, गवर्नमेंट के हाथों में है, तो वो अपने तरीके से जितना जितनी जरूरत है वो उतना प्रोड्यूस करेंगे, फॉल्स नीड्स क्रिएट नहीं करेंगे, तो जितनी जरूरत है वो उतना प्रोड्यूस करेंगे और उतना जितने लोगों को जितनी जरूरत है उतना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ऐसा उनका सिस्टम था। सो ऐसे सिस्टम में इसीलिए वो इसी सिस्टम को पसंद करते थे, सोशलिज्म को, इसीलिए वो कैपिटलिज्म के, ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट थे, उन्होंने क्रिटिसाइज किया है। उसके बाद कहती है कि वर्ल्ड चेंजेस फ्रॉम सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट टू सर्वाइवल ऑफ फास्टेस्ट। अब जब लिबरलिज्म सिस्टम शुरू हुआ था तब उन्होंने कौन सी बात कही थी, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, क्योंकि प्राइवेट, क्योंकि क्या होता है कि सोशलिज्म में तो सब कुछ जो है गवर्नमेंट के हाथों में, जिसकी जितनी जरूरत है उसको उतना दे दो। लेकिन अगर मान लो जैसे हम लोग हैं, हमारे जैसे प्राइवेट लोग हैं, इनके हाथों में जिसके टैलेंट, जिसको जितना टैलेंट है वो उतना कमाए खाए, ऐसा सिस्टम है, तो डेफिनेटली जब कॉम्पिटिशन होगा, चीजों के लिए हमेशा कॉम्पिटिशन होता है, सो कॉम्पिटिशन में सर्वाइव कौन करेगा, जो फिट होगा। तो पहले ये सिस्टम था, लेकिन अब क्या हो गया है, ग्लोबलाइजेशन के टाइम में सर्वाइवल ऑफ द फास्टेस्ट। अभी जो है टाइम की बहुत कदर है, तो अभी जो है सर्वाइवल ऑफ फास्टेस्ट वाला सिस्टम आ गया है। उसके बाद है दो मॉडल्स हैं ग्लोबलाइजेशन के, एक तो है अमेरिकन मॉडल, जहां पे क्या है, इंट्रा स्टेट इनइक्वालिटीज राइज, इंट्रा स्टेट, एक स्टेट के अंदर ही, इंटर स्टेट होता है एक कंट्री, एक स्टेट का दूसरे के साथ था, और इंट्रा स्टेट होता है स्टेट के विद इन स्टेट। सो विद इन स्टेट जो अमेरिकन मॉडल है, विद इन स्टेट इनइक्वालिटीज होती है, नॉर्डिक मॉडल जो है वहां पे लेस इनइक्वालिटीज। सो ये हमने पढ़ लिया ग्लोबलाइजेशन के बारे में, और रिस्पॉन्स कौन सी कंट्रीज ने, डेवलप्ड कंट्रीज ने किस तरह से रिस्पॉन्ड किया, डेवलपिंग ने किस तरह से रिस्पॉन्ड किया, किसको कितना फायदा हुआ, नुकसान हुआ, सब डिस्कस कर लिया है। इस टॉपिक पे भी एक क्वेश्चन बन जाता है, ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, इनफैक्ट काफी बार ग्लोबलाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन आया है पेपर, सेकेंड पेपर में जो सेक्शन ए है उसमें, तो आप लोग इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। हमारे चार टॉपिक खत्म हो चुके हैं, अभी हम फिफ्थ टॉपिक जो इंटरनेशनल, ट्रू सेंस में इंटरनेशनल रिलेशंस है, वो पढ़ेंगे, क्योंकि इस पेपर का नाम जो है पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस है, पेपर सेकंड इंटरनेशनल रिलेशंस बेस्ड है, लेकिन जो पहले के चार टॉपिक्स दिए हैं वो जैसे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से ही रिलेटेड है थोड़े, और फिर ग्लोबलाइजेशन का है जो इंटरनेशनल रिलेशन से बेसिकली डील करता है, वो सेक्शन जो हमारा टॉपिक फिफ्थ है वहीं से शुरू होता है, टॉपिक फिफ्थ से शुरू होता है। जैसे पहले हम थ्योरीज पढ़ेंगे, तो आपको जो है थोड़ा कंफ्यूज नहीं करना है चीजों को, इंटरनेशनल रिलेशंस के में जो हम पढ़ेंगे वो थ्योरीज अलग होंगे, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के हमने जो पढ़े हैं वो अलग हैं, और जो हमने शुरू में पॉलिटी के थ्योरीज पढ़े थे पेपर वन सेक्शन में ए में, वो थोड़े अलग हैं। सो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, जिस तरह से हमने ये सब पढ़ा है वो भी पढ़ेंगे, आप लोग अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए, हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।